बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की, तो अंक ज्योतिष के आधार पर क्या है आज का आपका सीक्रेट नंबर, आइए नोट करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज आठवां नवरात्रा है, महारानी का दिन और महागौरी का दिन, लेकिन सीक्रेट नंबर आपके भाग्य में चार चांद आज अवश्य लगाएगा। साथ ही साथ महारानी की कृपा, जो आपने कहीं त्रुटि कर दी थी वो भी दिलवाएगा। इसके निमित्त आप नोट करिएगा पहले अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक एक से शुरुआत हो रही है, मूलांक एक का आज सीक्रेट नंबर रहेगा 91, यानी कि 91 नंबर। बताएं आपको मूलांक दो के बारे में, 79 नंबर रहेगा आज आपका सीक्रेट नंबर। मूलांक तीन नोट करें आज 12 नंबर को। बारी आ चुकी है मूलांक चार की, 31 नंबर लिखें अपने सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक पांच लिखेंगे आज 19 नंबर को। मूलांक छह 24 नंबर लिखें, 24 नंबर बहुत ध्यान से लिखिएगा अपने सीक्रेट नंबर को, और इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मूलांक सात आज नोट करेंगे 52 नंबर को। मूलांक आठ 17 नंबर लिखें, और मूलांक नौ आखिरी मूलांक 81 नंबर, यानी कि 81 नंबर। मित्रों, आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी का महापर्व है। आप आज संध्या समय इस सीक्रेट नंबर को अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ, हो सके तो रोली या कुमकुम के द्वारा किसी सफेद वस्त्र या फिर सफेद कागज पर आप इसको लिख सकते हैं। मौली की सहायता से इसको बांध के, इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखिएगा। हो सके इस सीक्रेट नंबर को आप एक महारानी के चरणों से एक बार स्पर्श करा लीजिएगा, माता रानी का साक्षात चमत्कार आपके समक्ष होगा। अंबेडकर नगर से हमारे साथ विमला जुड़ियन से बात कर लेते हैं। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून विमला जी। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी विमला जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000। समय है शाम के 5:50। जी। और स्थान? स्थान है फैजाबाद। फैजाबाद जी। अब क्या जानना चाहते हैं? इसकी सेहत सही नहीं रहती है, और ये इसको किस क्षेत्र में डालना सही होगा? जी बिल्कुल। देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका है, और इनका लग्नेश जो बुध है, बृहस्पति की राशि में सूर्य के साथ सप्तम भाव में अस्त हो चुका है। सर्वप्रथम आप इनका वजन कराइए, और थोड़ा सा हरा चारा उसके बराबर किसी गौशाला में दान करिए। हो सके तो 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप इन्हें एक पन्ना भी धारण कराइए। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का हरि हकीक की माला से इनसे जाप करा दीजिएगा। यदि ये जाप ना कर पाए तो आप स्वयं भी इनके निमित्त जाप कर सकती हैं। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभता लाएगा, इस उपाय को करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और चलिए, मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की बारी आ गई है। कल का दिन कैसा गुजरने वाला है मेष से लेकर कन्या तक के जातकों का, साथ ही साथ कल नौमी तिथि पर क्या कुछ अर्पित करेंगे ये माता रानी को, आइए जान लेते हैं। मित्रों, कल के दिन यानी कि आने वाले कल के दिन, कल महानवमी का पर्व रहेगा, लेकिन महारानी को आप उनके चरणों में क्या अर्पण करें, किस तरीके का आपका भाग्य रहने वाला है, कितना प्रतिशत रहेगा, क्या कलर आपको अपनाना है, ये आप जान लीजिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले कल सभी बंधु माताएं बहने माँ के चरणों में पीले पुष्प अर्पण कर दें। वीजा आवेदन के लिए दिन काफी हद तक शुभ रहने वाला है। भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। वृषभ राशि, माँ के चरणों में चुन्नी चढ़ाइएगा, दिन शुभता लाएगा, और ग्रे रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। बारी आ चुकी है मिथुन राशि की, मां को मिठाई का भोग अर्पण करिएगा। नए वाहन के योग बनेंगे, गहरा लाल रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। कर्क राशि, कर्क राशि वाले सभी बंधु सभी जातक मां को लाल चूड़ियां कल के दिन अर्पण अवश्य करें। घर में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे। गुलाबी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। सिंह राशि, मां के चरणों में वस्त्र चढ़ाइएगा, यात्रा लाभकारी रहेगी, भूरा रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। कन्या राशि, मां के चरणों में लाल पुष्प कल के दिन आप, यानी महानवमी के दिन आप अर्पण करिएगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, लाल रंग, पीला रंग शुभ रहेगा, और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। अब देश से बात करेंगे, देवास एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी अवधेश जी। मैडम जय माता दी। जी जय माता दी अवधेश जी। गुरु जी जय माता दी। श्री राधे भैया जय माता दी। राधे राधे गुरु जी।
जी हेलो जी, जी जी बात कीजिए अवधेश जी। हाँ मैडम, अवधेश साहब बोल रहा हूँ मैं। जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1979। 19/10/1979 जी जी, रात्रि 12 बजे के बाद। जी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कब तक हम माने? 12 से 1 के बीच में। जी ठीक है, और स्थान क्या बताया आपने? बिहार दरभंगा। दरभंगा जी, बताइए अब देव जी सवाल अपना। मैडम ये मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो मेरे ऊपर कर्ज भी अभी है। जी जी, और मैं व्यापार किस चीज का करूँ जो मुझे व्यापार क्षेत्र में किस चीज में लाभ होगा? जी जी भैया, देखिए कर्क लगन की पत्रिका है आपकी और नीच का मंगल आपके लग्न के अंदर। सर्वप्रथम आपको बता दें, मंगल देव के 108 नामों का नित्य आप पाठ करना आरंभ करिए। हो सके तो ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ के करना आरंभ करिएगा। लाभ आपको त्वरित होगा। राहु की महादशा और मंगल की ही अंतरदशा के कारण आप पर इस समय कर्ज की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय के अंदर आप हो सके तो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में आप जाइएगा या फिर कुछ लेखन सामग्री का आप काम कर सकते हैं, लाभ बहुत होगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कन्या पूजन विधि अगर नवमी की आप करने जा रहे हैं तो फिर उसका क्या रहेगा पूरा विधान, आइए जानते हैं। मित्रों नवरात्रे के अंदर कन्या पूजन विशेषतः आपको बताते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने 9 के 9 नवरात्रे व्रत किया, पूजन किया, विधान किया, माता रानी के निमित्त बहुत सारी चीजें आपने उनको अर्पण करी, लेकिन जब बात आती है कन्या पूजन की तो साक्षात मान के चलिएगा कि महारानी स्वयं आपके घर के अंदर कन्या के रूप के अंदर पूजन करवाने के लिए आ रही हैं और आप उनको निमंत्रण देकर आते हैं। लेकिन क्या विधि रहे इस पूरी कन्या पूजन की, बहुत सरल शब्दों में वो आप जान लीजिए। सर्वप्रथम जब कन्याएं आपके घर के अंदर प्रवेश करें तो आप उनके हाथ पैर थोड़ा सा जल के द्वारा, थोड़ा गंगा जल भी आप ले लीजिएगा, उनको धुलवा दीजिएगा। साथ ही साथ घर की उत्तर और पूर्व दिशा में आप उनको स्थान दीजिएगा। ये कन्या पूजन की बहुत विशेष विधि है मित्रों। उन्हें आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में बैठाइएगा और उनको हो सके तो रोली या कुमकुम का आप तिलक कर दीजिएगा। इसमें आप थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं। उन्हें लाल पुष्प भेंट स्वरूप आप दे दीजिएगा, लाल चुनरी तत्पश्चात आप उनको पहना दीजिएगा। साथ ही साथ हलवे और चने का उनको भोग अर्पण करिएगा। इस बीच किसी भी तरह का परिवार के अंदर कोई भी कलह कलेश या वैमनस्यता उनके समक्ष बिल्कुल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, इस चीज की आपको सावधानी भी बरतनी होगी। साथ ही साथ उन्हें दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करिएगा, लेकिन एक बालक को भी, यानी 8 कन्याएं हो और एक बालक हो, इस चीज का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। उस बालक का भी पूजन आप श्री गणेश जी के निमित्त, हनुमान जी के निमित्त या फिर भैरव के निमित्त आप अवश्य करिएगा, लाभ भी होगा और माता रानी अपना पूरा पूरा आशीर्वाद आपको अवश्य देंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, हम फौरन हाजिर होते हैं। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अभी फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं तृप्ति, उनसे बात कर लेते हैं। आरा से जुड़ी हमारे साथ तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन रूबी जुड़ गई भागलपुर से। रूबी जी स्वागत है आपका। रूबी जी अब तक आवाज पहुंची तो बात। नमस्कार, जय माता की। जय माता दी रूबी जी। जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी जी 1978। अच्छा, समय बता दीजिए। समय सुबह के 7:07 7:07 मतलब 7:30 के अंदर जी। 7 से 7:30 जी। और स्थान? स्थान भागलपुर बिहार। भागलपुर जी। आप बता दीजिए सवाल रूबी जी। जी मेरा खुद का घर नहीं बन पा रहा है, कब तक बन पाएगा जी, यही पूछना है जी। खुद का मकान जी। देखिए मकर लग्न की पत्रिका है, आपको बता दें, और सूर्य शुक्र लग्न के अंदर विराजमान चौथे भाव का स्वामी मंगल भूमि भवन का कारक भी माना जाता है। वो नीच के अवस्था के अंदर सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। काफी हद तक आपको प्रयासरत रहना होगा, मकान आपका अवश्य बनेगा। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा आने वाले समय में, आपको बता दें कि ये जो समय रहेगा 24 सितंबर 2017 के बाद ये योग निर्मित होना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने घर के दक्षिण दिशा को साफ रखना है। जहां भी आप रहती हैं वहां पर हो सके तो हनुमान जी की आशीर्वाद देते हुए मुद्रा आप लगा दीजिएगा और घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ उसी दिशा की तरफ मुख करके अवश्य करिए। और चलिए बारी आ गई है आपसे हम की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके सम्मान के बारे में। तो 24 घंटे आप रहेंगी सम्मानित, तो उसके लिए करना होगा एक खास उपाय। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा आ जाए तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हमें माताओं बहनों के लिए आज हम सम्मान का एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं, एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि वो करेंगी तो महामाई यानी कि महागौरी की कृपा भी उन पर अवश्य दिखाई देगी। इसके निमित्त उनको क्या करना है, एक लाल गुलाब पुष्प ये बिल्कुल साबुत होना चाहिए, पत्ती वाला थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ये पुष्प लीजिएगा। 2 कमल गट्टे ये भी साबुत होने चाहिए, साथ ही साथ एक छोटा सा इत्र की बॉटल ले लीजिएगा। इस सारी सामग्री को आज माता रानी के श्री चरणों में स्वयं जाकर अर्पण कर दीजिएगा और हो सके तो आप नंगे पैर जाइएगा, माता रानी का चमत्कार होगा, आप हमेशा सम्मानित रहेंगी। और हमेशा हमारी ये प्रार्थना रहती है कि हमारी माताएं बहनें हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित रहें। बेगूसराय से हमारे साथ अर्चना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए अर्चना जी, अच्छे से प्रश्न पूछ पाएंगी फिर आप। अर्चना जी अब तक आप आवाज सुन रही हैं तो टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी हम बिल्कुल बंद कर दिया है जी। अब बताइए आप
आप किसके बारे में जानना चाहती हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैं खुद अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए। 5/5/1981 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी समय बता दीजिए। समय पाँच बजे सुबह। सुबह। जन्म का स्थान बताइए। स्थान स्थान मतलब जगह बताइए, कौन सी जगह पर जन्म हुआ था, वो जगह कौन सी थी, शहर कौन सा था? ये बड़ौनी शहर था, गांव हाजीपुर करता है मेरा। हाजीपुर। जी 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 हाजीपुर बिहार से। हाँ बिहार से। जी अब बताइए आप सवाल। डेट ये मेरे मैरिज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में बहुत कोशिश करने के बाद मिल नहीं रही। ये शायद जी इनका अपने निमित्त प्रश्न है, ये इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ है जी, और ये स्वयं जानना चाहते हैं। जी जी अपने लिए जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मेष लग्न की आपकी पत्रिका सूर्य उच्च का लग्न के अंदर मंगल के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ, चार चार ग्रहों की युति आपके लग्न के अंदर। जब भी आप कोई भी डिसीजन लें बहुत सोच के समझ के और आहिस्ता उस डिसीजन को लीजिएगा, पूरे विवेक अपना जागृत करने के पश्चात आप डिसीजन लीजिएगा। राहु की महादशा सूर्य की अंतरदशा, आने वाले समय में 9 अप्रैल 2017 के बाद आपको कोई जॉब प्राप्त होगी, अभी जॉब प्राप्ति का आपका इसके अंदर जो योग है वो बिल्कुल नहीं बन पा रहा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 7:30 रत्ती तक का एक नीली धारण करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना है, लाभ भी होगा, शनि देव की कृपा अवश्य होगी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। तुला राशि वाले बंधुओं को क्या अर्पण करना है कल अर्थात महानवमी के पर्व पर महारानी के श्री चरणों में, यह आप जान लीजिए। माता रानी को 7 रंग के धागे यानी 7 रंगी धागा का लाभ अर्पण करिएगा। दिन चुनौतियों भरा रहेगा लेकिन माता रानी की कृपा से आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 62। बारी आ चुकी वृश्चिक राशि की, मां के चरणों में पायल कल के दिन अर्पण करिएगा, सोच समझ कर ही फैसले लीजिएगा। हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। धनुराशि, मां को लड्डू का भोग लगाइएगा, किसी से व्यर्थ बिल्कुल ना बोलिएगा। जामुनी रंग शुभ तलाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। मकर राशि, मां को मिश्री का भोग लगाइएगा, दिन शुभ तलाएगा, बादामी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। कुंभ राशि, मां के चरणों में लाल बिंदी कल के दिन आप अर्पण करिएगा, रुका हुआ धन आपका जो कहीं फंस गया था वो बिल्कुल प्राप्त होगा। आसमानी रंग शुभ तलाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। मीन राशि, माँ को काला तिल कल के दिन आप अर्पण करिएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 68। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं अभी फिलहाल आपसे इजाजत लेने के लिए, क्योंकि कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम भी अधिक खास होने जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे हम आपको नवमी तिथि के बारे में बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कैसे सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आपको करनी है तिल और शहद से, ये सारी जानकारी होगी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल आज की जानकारी के लिए चार्जी सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, धन्यवाद, और आपसे कहेंगे कि आप फिलहाल देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक, साथ ही साथ कीजिए माता रानी के दर्शन भी। हमें दीजिए इजाजत, जय माता दी, जय माता दी।
अपना देश आग जो सेक रहे हैं, पर उनका संकार वतन जो बेच रहे हैं। कई शुम्ब निशुम्ब मारे तूने, कई तेते यहाँ जन्मे हैं, फिर ए माँ अम्बे त्रिशूल तो ले तून पे बिजली बन के गिर। अष्ट बुझाए देश अनोखा, खड़क देख है तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा, माँ बाबुओं के खो। ॐ सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो, ॐ नव दुर्गा देवी रक्षा करो, ॐ नव दुर्गा नमः, ॐ जग जननी नमः। उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से। हम आपको पूरे परिवार को जिंदगी भर ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो।
एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की, जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है, आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है। क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर ऑपरेशन फिर ये फिर वो फिर ट्रांसप्लांट पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। दो साल से मुझे शुगर है। दो साल से? ठीक है। शुगर है और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से? जी। वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई आपको? दूध दूध दही दालें ये कुछ भी नहीं खा सकता, एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है। 10 साल से दिक्कत, पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम। ठीक है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मेरे को, उसका ऑपरेशन नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ उन्होंने कह दिया करा लो। ठीक है। जब भी कभी एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी। लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल जीते हैं, चाइनीज 80 साल जीते हैं, अमेरिकन 74 साल जी रहे हैं एवरेज। तो हम भारतीयों को ऐसा क्या हो गया कि हम 65 साल में नमस्ते होने लग गए, और 65 साल में ही हम लोगों की सारी कहानी खत्म, और बीमारियां हमें 32, 35, 25, 28, 45 में ही आ जाती हैं। क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है डाइट की, लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से भारत में बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जीना सीखो। संस्था का नाम है गॉड ग्रेस फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने बोला अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपना इलाज खुद करो, अपने बारे में अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। शुगर अगर किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होती है तो लगभग वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलाज चलता है। शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों से नहीं। वो तो बोलेंगे जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर ये खाओ, ऑपरेशन कराओ। वो ठीक नहीं कर रहे, वो बीमारी को दबा रहे हैं, हम बीमारी को भगा रहे हैं। मर्जी आपकी है कि ठीक होना है या बीमार रहना है। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। क्या आप बीमार हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपका दिल भी। भारत में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम भारत में हार्ट अटैक, लकवे का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ट्रांसप्लांट तक कराने की नौबत आ रही है। लेकिन वजह क्या है? लाइफस्टाइल, बढ़ता पोल्यूशन और बढ़ता स्ट्रेस। एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूं,